ये दीवार पे चल रहा है, 100 इंच की स्क्रीन बनी हुई है प्रोजेक्टर से ये दीवार पे, तो K9 ले या फिर F10 ले, सिंपल सा लॉजिक है दोनों प्रोजेक्टर में, दोनों के फीचर्स भी अलग अलग हैं। K9 एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है और F10 3D प्रोजेक्टर है। कुछ खासियत बताता हूँ दोनों की आपको, ताकि आप अपने हिसाब से चूज कर सकें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। आप देख रहे हैं BR टेक फिल्म्स। अमेजिंग टेक वीडियोस पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए। BR टेक फिल्म्स आपका स्वागत है। मैं इससे पहले इन दोनों को ऑन करके इनको चला के दिखाऊं, मैंने पिछले बहुत सारे प्रोजेक्टर के, अलग अलग प्रोजेक्टर के रिव्यूज किए हैं। यहाँ पे F10 और K9 एंड्रॉयड, इन दोनों के नीचे आपके कुछ सवाल हैं जिनको मैं इस एपिसोड में कवर कर रहा हूँ। दोनों के फीचर्स बताऊंगा आपको और आपको कौन सा लेना चाहिए। इस वीडियो को देखने के बाद में आप समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा प्रोजेक्टर बेस्ट है। जो ब्लैक वाला है वो वीवी ब्राइट का F10 है, ये वाला, ये है वीवी ब्राइट F10। इसमें आगे और पीछे दोनों तरफ IR सेंसर है। ये जो सिल्वर वाला है ये ईगेट का K9 एंड्रॉयड है। तो K9 जो है वो एंड्रॉयड प्रोजेक्टर है, ये दोनों के रिमोट्स आप देख सकते हैं। और जो ब्लैक वाला है F10 वो 3D प्रोजेक्टर है। अब 3D कंटेंट थोड़ी ना हम रोज़ देखते हैं, लेकिन दोनों प्रोजेक्टर के अंदर अपनी अपनी खासियत है। एक थोड़ा छोटा है, जो F10 है वो थोड़ा सा छोटा है, लाइट वेट है। K9 में फीचर्स ज़्यादा हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा है। सबसे पहले इनके ल्यूमेंस की बात करते हैं, लेंस की ब्राइटनेस की। K9 में है 2400 ल्यूमेंस, F10 में है 2800 ल्यूमेंस, और F10 में आपको प्रोटेक्शन कैप भी मिलती है लेंस के ऊपर। अब दोनों ही प्रोजेक्टर्स में आपको ऊपर फोकस वाली कीज़ मिल जाती हैं जब आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं दीवार पे या प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, और ऊपर की तरफ में दोनों ही प्रोजेक्टर्स में आपको फुली फंक्शनल बटन्स मिल जाते हैं, तो बिना रिमोट के भी आप दोनों प्रोजेक्टर को जो है यूज़ कर सकते हैं। वेंट्स दोनों में दबा दबा के दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ईगेट K9 एंड्रॉयड थोड़ी सी बाजी मार जाता है, क्योंकि उसमें कनेक्टिविटी पोर्ट्स बहुत सारे दे रखे हैं। ईगेट K9 में 2 USB, 2 HDMI AV का पोर्ट, और यहाँ पे F10 में सिर्फ 1 HDMI का पोर्ट और 2 USB के पोर्ट हैं, और हेडफोन का पोर्ट है जिसमें आप बड़े स्पीकर लगा सकते हैं। लेकिन इसमें IR सेंसर दोनों तरफ है, तो यानी रिमोट को आगे और पीछे दोनों जगह से आप ऑपरेट कर सकते हैं। वेंट्स अच्छे खासे हैं, दोनों में से हीटिंग इशू किसी में नहीं है, दोनों को ही आप ट्राईपॉड में माउंट कर सकते हैं। F10 में आपको 3D का ऑप्शन मिल जाता है, F10 में आप 3D कंटेंट को प्ले कर सकते हैं, रेड और ब्लू, उसके लिए आपको ग्लासेस अलग से लेने होंगे। और यहाँ पे ईगेट वाले में आपको VGA पोर्ट, HDMI पोर्ट, AV पोर्ट, USB के पोर्ट्स, और वो भी दो दो पोर्ट्स हैं HDMI और USB के, और यहाँ पे दोनों में ही आपको इनबिल्ट स्पीकर मिल जाते हैं। लेकिन F10 में आपको कनेक्टिविटी ऑप्शंस कम मिलते हैं, आपको सिर्फ HDMI का ऑप्शन मिलता है अगर आप कोई डिवाइस कनेक्ट करना चाहते हैं। लेकिन K9 एंड्रॉयड में आप AV, VGA, HDMI, USB। अब जो यहाँ पे K9 है इसमें इनबिल्ट ट्रांसफार्मर है, यानी कि एक्सटर्नल अडैप्टर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ प्लग एंड प्ले, सीधा ये जो कॉर्ड मिली है इसको लगाइए और इसको ऑन कर दीजिए। F10 में आपको अलग से अडैप्टर मिलता है, प्रोजेक्टर के साथ में ही मिलेगा, और यहाँ पे आप इसको इजीली इस पे कनेक्ट करके, अडैप्टर आपको एक्सटर्नल लगाना है तो आप यहाँ पे इस तरह से इसे प्लग एंड प्ले कर लेते हैं। अब इसे चला के भी देखेंगे, तो मैं इन दोनों को ऑन करता हूँ। मैंने एक वीडियो शूट किया है आउटडोर में, प्लांट्स का, अपनी बालकनी में। मैं उस वीडियो को प्ले करूँगा इन दोनों प्रोजेक्टर पे सेम टाइम पे, और देखेंगे दोनों की क्लैरिटी में कितना फ़र्क है। आप कैमरा के थ्रू देख रहे हैं, मैं रियल टाइम में देख रहा हूँ, तो मैं दोनों के बारे में बताऊँगा। तो उस वीडियो को मैं सबसे पहले F10 पे प्ले किया, लाइट अभी ऑन है, अब मैं लाइट को ऑफ कर रहा हूँ। आप यहाँ पे क्लैरिटी देख सकते हैं। F10 की खासियत यह है कि F10 की आप जो प्रोजेक्शन स्क्रीन है उसको 300 इंच तक आप जो है प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ये जो ब्लैक वाला मैंने आपको दिखाया वो वाला चल रहा है, F10 को आप 300 इंच तक जो है उसकी स्क्रीन को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और 3D कंटेंट प्ले कर सकते हैं। आपको 3D ग्लासेस लेने होंगे, रेड और ब्लू सपोर्ट करता है। अब K9 को मैंने स्टार्ट कर दिया है और इस पर भी मैं सेम वीडियो प्ले कर रहा हूँ, लाइट ऑन है, और अब लाइट को ऑफ करते हैं और यहाँ पे देखिए क्लैरिटी। रियल टाइम में दोनों में आप क्लैरिटी का डिफरेंस नहीं निकाल सकते, और K9 का जो प्रोजेक्शन स्क्रीन है वो मैक्सिमम 150 इंच है, और घर में मैंने मैक्सिमम दिखाया है, 100 इंच भी प्रोजेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। वैसे यहाँ पे जो है मैक्सिमम यहाँ पे मैं 98 जो है प्रोजेक्ट कर रहा। आपने दोनों की क्लैरिटी देख ली, दोनों के पूरे पूरे रिव्यूज़ देखने हैं तो उन दोनों वीडियोस को मैंने बना चुका हूँ, पूरे पूरे रिव्यूज़ हैं, एक एक फ़ीचर वहाँ मैंने बताया है। अब जिन जिन ने मुझे कमेंट किया था, क्योंकि मैं यहाँ पे बाकी फ़ीचर्स नहीं बताऊँगा, वो सारे फ़ीचर्स मैं इनके पूरे पूरे रिव्यू में कर चुका हूँ, वो वाले वीडियोज़ आप देखिए। K9 एंड्रॉयड जो है वो ईगेट का है, ईगेट इंडियन ब्रांड है, और ये आपको मिल जाएगा अमेज़ॉन पे, और जो इनके सेलर हैं, जो इनके
डायरेक्ट सेलर हैं, अमेजोन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। K9 आपको तकरीबन 13,000 रुपये का पड़ेगा, एंड्रॉयड है, PC फ्री डिज़ाइन है। और वीवी ब्राइट F10 आपको बैंगलोर से मिलेगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन्हें आप चेक कीजिए, वहाँ से आप इन्हें खरीद सकते हैं। प्राइसिंग एक बार फिर से बता देता हूँ, K9 एंड्रॉयड वाला प्रोजेक्टर जो है लेफ्ट वाला, ये आपको पड़ेगा तकरीबन 13,000 रुपये का अमेजोन से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है इसको डायरेक्ट खरीदने के लिए। और वीवी ब्राइट का जो F10 है वो पड़ेगा आपको तकरीबन 9,500 से 10,000 रुपये का बैंगुड से, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो अब आपकी कन्फ्यूजन शायद क्लियर हो गई होगी। पूरे रिव्यूज़ देखने हैं इनके तो वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप इनके सारे फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों प्रोजेक्टर के पूरे रिव्यूज़ वीडियो ज़रूर देखिए मेरे चैनल पे, दोनों के पूरे रिव्यूज़ हैं। और जो लोग इनका वीडियोस देख चुके हैं और जिनके माइंड में कन्फ्यूजन था, तो उनके कन्फ्यूजन मैंने क्लियर कर दी है। अब आपको एंड्रॉयड लेना है या फिर आपको लेना है एक नॉर्मल प्रोजेक्टर, 3D कंटेंट तो शायद आप रोज़ प्ले नहीं करेंगे, ये आप डिसाइड कीजिए। मेरे हिसाब से तो दोनों प्रोजेक्टर का आउटपुट एक नंबर है। तो दोनों के अंदर जो है K9 में एक चीज़ अच्छी है कि K9 में कनेक्टिविटी ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिलते हैं, और K9 के अंदर इनबिल्ट स्पीकर जो है उसकी साउंड थोड़ी सी तेज़ है F10 से। अब यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी में तो दोनों में कंपैरिजन करने लायक ही नहीं है, क्योंकि दोनों की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी है और दोनों की पिक्चर क्वालिटी मुझे ऑलमोस्ट सिमिलर मिली है। अगले वीडियो में कुछ नया, बहुत जल्दी खास वीडियो आने वाला है, आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।